होटल रेडिशन के मालिक के खिलाफ मुड़िया अहमदनगर के ग्रामीणों ने सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के वह इससे पहले हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों के साथ बीजेपीसी से मिले थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आज ग्रामवासी महिलाओं समेत भारी संख्या में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और ज्ञापन देने से पहले धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बरेली पीलीभीत बाईपास रोड पर मुड़िया अहमदनगर गांव में होटल रेडिशन है, जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, जिसकी पैमाइश कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सत्यता पता चल सके। इस दबाई गई भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए होटल के पीछे की भूमि, जो सरकारी अभिलेखों में खलिहान एंड एवं चक्रोड में दर्ज है, जिसका गाटा संख्या 795801 और 802 है, को अपने होटल में मिलाने के लिए होटल प्रबंधक के द्वारा सरकार स्तर पर कुछ सुझाव दिए हैं और कहा है कि इस भूमि के बदले किसी अन्य स्थान पर भूमि खरीदने के लिए होटल द्वारा पैसा सरकार को दे देंगे। संज्ञान में आया कि होटल द्वारा किए जा रहे इस कृत्य में कुछ अधिकारी भी संलिप्त हैं, जबकि समस्त ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है, अन्यथा वहां रहने वाले सर्वसमाज सरकारी भूमि को बचाने के लिए आंदोलनरत होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दुर्गेश कुमार गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच बरेली। क्या मामला आज एकत्रित हुए हैं सर? मामले की है, थाना जितनगर क्षेत्र में रेडिएशन होटल है मुड़िया अहमदनगर गांव में। वो रेडिएशन होटल जो अब तक ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम समाज की जगह पर कब्जा करके बनाया गया है, तो आज पहली तो हमारे आज यही मांग है कि रेडिएशन होटल की पुनः पैमाइश होनी चाहिए। ऐसे कितने ग्रामीण है जिनके कब्जा करा गया है जमीन पर? ग्राम समाज के आप सब देख रहे हैं, ये सब ग्राम समाज के लोग सब यहाँ उपस्थित है। उनका कहना यह है कि पहले से ही रेडिएशन होटल में ग्राम समाज की जगह पर कुछ हिस्सा कब्जा करके रेडिएशन होटल बनाया गया है, और उसके बाद जो जमीन बची हुई है उसको वो गांव वालों को लालच देकर विलय कराना चाहता है वो। इससे पहले आपने तहसील में भी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम SDM महोदय को ज्ञापन दिया था, और परसों हमारी वहां पंचायत भी हुई थी रेडिएशन होटल पर, तभी ग्रामीणों ने कहा था कि हम किसी भी हाल में अपनी जमीन विलय नहीं होने देंगे। हमारा वहां पर मंदिर है, हमारा वहां देवालय है, वहां पर दशमा स्थल है, वहां पर गांव के ही जितने भी धार्मिक कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम है वो यथावत वहां संपन्न होते हैं, इसलिए हम ना तो उनकी जमीन लेना चाहते हैं ना ही अपनी जमीन देंगे। आज आप किससे मिलेंगे? आज हम लोग DM साहब से मिलने आए हैं, और DM साहब से हम अंतिम बार मिलने आए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांग यहाँ से नहीं मांगी गई तो हम चाहे हमको लखनऊ यू क्यों नहीं जाना पड़ रहा है, हम लखनऊ जाएंगे और अपनी मांग पूरी करवा के मानेंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है वो सर्व समाज का निर्णय है, पूरे गांव वालों का निर्णय है कि वो जमीन अपनी नहीं देंगे।